आइए आज हम सीखते हैं शलवार में पॉकेट लगाना। पॉकेट को जेब भी बोलते हैं। शलवार में पॉकेट और जेब लगाने से हमें बहुत आराम हो जाता है, हमें मोबाइल और कीज रखने में बहुत आसानी हो जाती है कि हम एक बार जब जेब वाली शलवार पहन लें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी हर शलवार में जेब होना चाहिए, पॉकेट होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये नॉर्मल तरीके से अपनी शलवार को कट कर लिया है। आप अपनी शलवार को मेरी वीडियो देखकर भी कटिंग कर सकते हैं। शलवार प्लेलिस्ट में मैंने कई तरह से अलग अलग तरह से शलवारें बनाना सिखाई है, तो उसको देखकर भी आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम शलवार को ये कलियां जोड़ लेंगे, ये मैंने निशान लगा रखे हैं उल्टे उल्टे के, और एक वाला क्रोच एरिया जोड़ लेंगे। ये वाली साइड को जोड़ लेंगे, एक साइड को ही जोड़ेंगे हम, एक साइड खुली रहने देंगे। और ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट को हम स्टैंडर्ड साइज मेरा 8 इंच होता है, लेकिन हम इसमें जेब लगा रहे हैं तो मैंने इसको 9 इंच कटिंग की है। ये मेरा पूरा बेल्ट है, इसको मैंने ऐसे डबल किया और अब मैं इसको 4 फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद एक स्पाइट को पकड़ के मैंने यहाँ साइड में कट किया, जैसे कि हमारा ये रहेगा, एक साइड हमारी खुली रहेगी, यहाँ पर हमारी जेब आएगी, पॉकेट आएगी, और ये हमारा बीच वाला जहाँ से हम नाड़े को अंदर डालते हैं वो वाला पार्ट होगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे कि ये 2 टुकड़ों में हो। अब हम सबसे पहले यहां से इसको 2 इंच तक सिलाई लगा लेंगे और यहां से 1/2 इंच तक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये नेफे में फोल्ड होगा और वहां नीचे सिलाई में आएगा। अब हमने ये शलवार की कलियों को जोड़ लिया है और ये साइड वाला क्रोच एरिया भी हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी शलवार का सेंटर है, यहाँ पर हमने ये सेंटर निकाल कर कट लगा दिए। ये हमारी बेल्ट है, इसमें देखिए मैंने ये 2 इंच तक ऐसे सिलाई लगाई है और 1 इंच तक यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाई है। बस आप अपना हाथ डाल के देखिए कि आपका हाथ आराम से जा पा रहा है या नहीं। अब हम इसको यहाँ बीच में से ऐसे खोलकर फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से और एकदम किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब हमने यहाँ पर ये सिलाइयाँ लगा ली है। ये वाला साइड जो 2 इंच वाला साइड है ये हमारा नेफा होगा और ये हमारा नीचे वाला पार्ट होगा। अब हम इस बेल्ट का सेंटर निकालेंगे, तो ये हमारा बेल्ट हुआ, यहाँ हम इसको कट लगा के सेंटर वाला पार्ट निकाल देते हैं। एक और बात का आप ध्यान रखिए, ये देखिए हमारा ये सेंटर वाले पार्ट पे जो हमारा बीच वाला ये जॉइंट आएगा, तो ये हमारा अपनी शलवार के सीधे हाथ की तरफ हो, राइट हैंड साइड पर हो, क्योंकि हमें वो हर काम राइट हैंड साइड से करने की आदत होती है, तो हम सीधे हाथ से हमारा पॉकेट में जा रहा है क्या तो आसानी रहेगी। उल्टे में हमें थोड़ी लेफ्ट हैंड में हमें थोड़ी पॉकेट लगा दे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप जरूर लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी पॉकेट लगाएंगे। अब हम ये हमारा बेल्ट हुआ, ये हमारा बेल्ट का हाफ हो गया। अब हम अपनी शलवार का बेल्ट से शलवार के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम अपना क्रोच एरिया जो हमने ज्वाइंट किया है, सिलाई लगाई क्रोच एरिया की, उसको रखेंगे। और यहाँ पर हम अपनी चॉइस से ऐसे शल दे देंगे, आप चाहे बॉक्स प्लेट बना लीजिए या ऐसे भी कर लीजिए। ये देखिए ये आपकी शर्ट इस तरह से रहेगी। तो आप सबसे पहले ये बीच वाले पार्ट को यहाँ पर इसके साथ सिलाई लगा लीजिए। अब हमने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली। अब हम ये हमारा बेल्ट है, इसको हम ये साइड पकड़कर यहाँ से ऐसे एक मार्क कर देंगे, कट लगा देंगे 8 इंच पर। ये मेरा हाथ के साइज 8 इंच है।
ये कट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी जो शलवार में हमने कट लगाया था सेंटर का, वो कट और ये कट यहाँ पर मिलना चाहिए इस तरह से। तो अब हम इधर से अपनी शलवार की इधर से शल डालना स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले चाहे सीधी साइड कर लीजिए, आपको शल डालने में आसानी होगी। आप ऐसे करिए, यहाँ से दो फिंगर छोड़िए। आप अपनी मर्जी से शल छोटे बड़े कैसे भी डाल सकते हैं, शल डालने में आपकी चॉइस है। अब आप इस तरह से चेक कर लीजिए, ये आपका बीच वाला पार्ट है, यहां से यहां तक आपके ये शेल्फ में भर के ये कपड़ा इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं तो आप ये लास्ट वाला शेल्फ को खोल दीजिए, इसको छोटा कर लीजिए चाहे, पर आप इसके बराबर आप इसको रखिए। ये देखिए इस तरह से ये बराबर हुआ। आपका शेल्फ का ये पार्ट इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अब हम ये वाली साइड में करेंगे। तो इधर वाले शेल्फ हमारे इस तरफ जाना चाहिए, उसके अपोजिट जो हमने पहले शेल डाले हैं उनसे अपोजिट हमारे ये वाले शेल होना चाहिए। अब आप अपने बेल्ट को पकड़ कर देखिए, अभी ये बड़ा है तो और शेल डालिए और ऐसे शेल डाल दीजिए, ये इक्वल हो गया। अब आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब हमने ये शलवार में बेल्ट को जोड़ लिया है, ये देखिए। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे नेफा बनाने के लिए। तो आप पहले पूरी सिलाई लगा लीजिए, यहां से आप इतनी तक सिलाई लगाइए आधा इंच तक, और फिर आप इतना गैप छोड़कर पूरे यहां तक आप सिलाई ले लीजिए, क्रोच एरिया अपना पूरा सिल लीजिए। यहाँ आप थोड़ा चौड़ाई पे सिलाई लगाएं क्योंकि हमें यहाँ से भी फोल्ड करना होगा, और यहाँ आते आते आप थोड़ी सिलाई को कम कर लीजिए। अब हमने ये यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये इतनी जगह हमने इसकी छोड़ी है। अब हम इसको भी से खोलकर इसको इस तरफ और इसको इस तरफ करके फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से यहां तक। और ऐसा ही हम यहां से करेंगे यहां तक। अब हमने ये सिलाई लगा ली, ये देखिए बीच वाला पार्ट खुला है, यहां हमारे नेफे का नाया डालने की जगह रही। अब हम इसको नेफे को फोल्ड कर लेंगे। नेफे को फोल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आपसे सही से नहीं फोल्ड होता है तो, कि आप पहले ऐसे पिन लगा लीजिए, पूरे में आप ऐसे पिन लगा लीजिए। ये भी ध्यान रखिए ये हमारी पॉकेट वाला साइड आएगा तो इसके ऊपर भी हमें नेफे को ऐसे पूरा चलना है। तो पहले खाली पिन लगा लीजिए पूरे नेफे में, ताकि फिर आपका नेफा मोड़ने में आपको अल्टर नहीं आएंगे। उसके बाद ऐसे ही पिन लगे रहने दीजिए आप, और यहां से पकड़कर अपने नेफे को ऐसे सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद हम जेब लगाएंगे, इसमें पॉकेट लगाएंगे। अब हमने ये नेफा भी अपना फोल्ड कर लिया है, अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही आप पॉकेट को लगा सकते हैं। अब ये हमारी खुली साइड है जो हमने पहले खोली रखी थी, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लेंगे। और अब पॉकेट कितनी लंबी लें उसका बताती हूँ मैं आपको। ये जो नेफे वाला पार्ट है इससे आधा इंच आप इंची टेप को ऊपर रखिए, और ये तो हमारी सिलाई का हुआ। उसके बाद अब ये वाला पार्ट आपका पॉकेट का रहेगा। यहां तक तो बस आपकी ये सिलाई के लिए कपड़ा हमें चाहिए होगा। पॉकेट की लंबाई आपकी इस जगह से स्टार्ट होगी, आपको जितनी भी लंबी पॉकेट आपको रखनी है। जैसे कि मैं यहां से 12 इंच तक अपनी पॉकेट लूंगी, तो मैं इंची टेप को यहां पे आधा इंच ऊपर रखा है और ये 12 लिया है। यहां से मैं इंची टेप को फोल्ड करूंगी इस जगह तक, ये जो हमारा सिलाई का ये जो निशान आ रहा है यहां तक, तो 19 इंच टोटल हमें
पॉकेट की लंबाई की जरूरत होगी और चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी होगी। देखिए तीन इधर से इतनी चौड़ी हमें जरूरत होगी, तो 19 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कपड़ा है बचा हुआ सलवार का, तो इसको हम यहां से 6 इंच चौड़ा, तो सिलाई का और लेके हम 6.5 इंच चौड़ा लेंगे और 19 इंच लंबाई में तो हम 20 इंच ले लेंगे। तो हम 20 इंच पे यहां मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहां से भी हम 20 इंच ले लेते हैं और एक निशान लगा लेते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी पॉकेट को, इसका आप सेंटर निकाल लीजिए, हाफ निकाल लीजिए और ये जो जॉइंट है हमारा जो हमने पॉकेट के लिए खुला रखा था यहाँ पर, इसके इधर यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। इसके साथ पढ़िए, इसके नीचे की तरफ आप रहे, आपका कपड़ा सलवार की तरफ रहे, बेल्ट की तरफ नहीं हो, और यहाँ से यहाँ पकड़कर आप सिलाई लगा लीजिए। सीधी सिंपल सी सिलाई है ये, बस हमें इनके बराबर बराबर जो हमने ये सिलाई लगा रखी है इसी के बराबर सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ से इस कपड़े को इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको भी हमने यहाँ से इसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे। वो सेंटर हमारा यहाँ है ताकि आपकी पॉकेट इक्वल लगे, आपको पॉकेट लगाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने ये सेंटर निकाला है। अब हम इसको हम यहाँ तक, ये यहाँ ये पार्ट तक निशान लगा लेंगे, इधर भी ये जो हमारी सिलाई आ रही है यहाँ तक। अब हम इस पॉकेट को ऐसे पलट कर फोल्ड करते हुए ये साइड तक यहाँ से सीधी सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। दोनों साइड हम ऐसा करेंगे ताकि हमारी पॉकेट यहाँ से सिल जाएगी, खुली नहीं रहेगी। और ये सिलाई आप ड्यूरेबल डबल करके लगाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके ये कटे जो हमने निशान लगाए थे वो यहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर कपड़ा कम हो जाएगा। ये हमारी बेल्ट है, इसको हमने ऐसे किया, फिर अपोजिट किया और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। अब देखिए हमने इस तरह से करके यहाँ पर ये यहाँ तक सिलाइयाँ लगा ली। इस तरफ भी देख लीजिए आप, ये बिल्कुल यहाँ तक हमारी सिलाइयाँ आई है। अब हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो सब अंदर की तरफ चली जाएंगी। ये देखिए अब हम ये वाले पार्ट्स को ये साइड मोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ऐसा ही हम ये साइड कर लेंगे। यहाँ हमें सिलाई लगानी है और फिर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। आप इधर भी ध्यान दीजिए कि आपका ये कपड़ा बहुत अंदर कोई शल नहीं रहे, एकदम बराबर से आपकी ये पॉकेट लगे। ये देखिए इस तरह से कि ऐसे, या तो ऐसे खिंचाना भी नहीं चाहिए आपका और बहुत ज़्यादा अंदर ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर हम जो ये नेफा फोल्ड किया है, जो ये नेफे की सिलाई है, यहाँ पर सिलाई लगाते हुए यहाँ निकल जाएंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिलाई लगानी है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा ये जो हमारा कट है इसे थोड़े से नीचे से चलिए और सिलाई यहाँ लगाते हुए यहाँ होते हुए यहाँ आ जाइए। ये जैसे हमारा इधर ज़्यादा हो गया है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसके इक्वल लीजिए। ये जो नेफा है, नहीं तो क्योंकि हमारा नेफा बंद हो जाएगा, तो नेफा हमारा खुला रहना चाहिए, इसलिए हम इसके नेफे की जो सिलाई है इसी सिलाई पर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए।
अब देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाई। जब आप ये सिलाई लगाएं तो इस नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल हटा लें और फिर आप सिलाई लगाएं। आप चाहें तो पहले सुई धागे से सिलाई लगा लीजिए। अब इस तरह से हमारी ये पॉकेट बिल्कुल कंप्लीट होती है। और हम इसको फिर शलवार को अपनी नॉर्मल तरीके से नीचे से मोहरी बनाकर साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रंट से हमारी शलवार की जेब इस तरह से कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ये हमारी जेब यहाँ से हो जाती है जो कि हमारे राइट हैंड साइड पर आती है। ये हमारा बीच वाला पार्ट है, यहाँ से नेफा हुआ और ये हमारी पॉकेट होगी। बाहर हमारी पॉकेट का हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने हमारी पॉकेट कहाँ है। इस शलवार को कंप्लीट करने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग एंड स्टिचिंग शलवार। तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको शलवार सिलना बताया है, हर स्टेप उसमें मैंने बताया है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी इसका लिंक आपको दूंगी, शलवार कटिंग और स्टिचिंग दोनों का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। We'll be right back.